अस्सलाम वालेकुम, कैसा मिजाज है जनाब। आज हम 4.2 फ्रोनस इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसके साथ दो अदद बैटरीज ओसाका की TA2500। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन। ये 4.2 इन्फिनियन प्लस और ये आप देख सकते हैं। आप इसके साथ 5000 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं और ये 24 वोल्ट में है, यानी इसके साथ दो अदद बैटरियाँ लगती हैं। इसके साथ ये हमने DB बॉक्स और ये हमारा टूल बॉक्स। तो चलिए दिखाते हैं फ्रोनस इन्वर्टर। फ्रोनस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये 4.2 किलोवाट फ्रोनस का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और ये वाइट कलर में है। ये 3.6 आपने अगर देखा होगा तो येलो कलर में है और इसकी कलर वाइट है। ये आप देख सकते हैं 4.2 किलोवाट। और ये नीचे आपको दिखाते हैं AC इनपुट और AC आउट की, और ये कम्युनिकेशन पोर्ट है। और ये आपको अगर मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है तो QR कोड, और ये AC इनपुट AC आउटपुट, और ये इसके साथ दो पेन्स लगे हैं। इसके साथ ही बैटरीज कनेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वाईफाई हमने लगाना है इधर वाईफाई स्टैक, और ये हमारा PV प्लस और PV माइनस, यहाँ सोलर पैनल लगेंगे। तो गाइस ये 4.2 किलोवाट फ्रोनस इन्वर्टर की ये वाईफाई स्टैक है, इसके साथ यहाँ लगाएंगे ये, और ये इसके साथ दो अदद MC4 कनेक्टर। ये इन्वर्टर की 5 साल वारंटी और ये यूज़र मैनुअल है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। ये एक बोर्ड हमने लगाए हैं इन्वर्टर को नमी से बचाने के लिए। तो गाइस आपको बताता चलो, ये एक प्राइमरी स्कूल है और फर्स्ट पेज में यहाँ पे हम सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी लगाएंगे, बाद में इसके साथ सोलर पैनल लगाएंगे। तो गैस ये हमने इन्वर्टर को हैंग कर दिया है, इसके साथ इसकी DB बॉक्स भी। DB बॉक्स में ब्रेकर में हमने एक वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्टर लगाए हैं और इन और आउट के लिए ब्रेकर्स लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब बारी है बैटरीज की। बैटरीज को हमने कनेक्ट कर दिया है एक 24 वोल्ट सिस्टम, क्योंकि ये दो बैटरीज को सपोर्ट करता है। तो 2500 TA 230 एम्पेयर आवर बैटरीज है ये, आपको दिखाते हैं। और ये अभी बैटरीज पे स्टार्ट है, ये आपको कलर में रेड नज़र आएगा। और ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इन्वर्टर में सेटिंग कर सकते हैं कौन सा कलर आपको चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ये रेड कलर जो आपको नज़र आई बैटरी मोड से। अगर आप लोगों ने भी इस तरह का सिस्टम लगाना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो गाइस सिस्टम तकरीबन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और ये आपको दिखाते हैं इसका रिव्यू। तो ये अभी बैटरी मोड है, वापडा इस वक्त नहीं है और ये अभी बैटरी मोड पे हैं। गाइस वीडियो की क्वालिटी के लिए माजरत ख्वाह। और ये 125 एम्पेयर का श्नाइडर कंपनी का DC ब्रेकर लगाए हैं बैटरी साइड पे, ये आप देख सकते हैं श्नाइडर इलेक्ट्रिक का 125 एम्पेयर ब्रेकर। तो गाइस बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने एक मेटल प्लेट ली है और इसको आपस में कनेक्ट कर दिया है जंपर केबल की बजाय।
तो ये आप देख सकते हैं सारा सेटअप तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो।